Wow, this movie looks like a grand scale movie. It looks like they have created the original sets. So he is an amazing, I think, persona. Uska jo persona hai, screen presence hai. Wow, brilliant trailer. I'm quite impressed with the movie. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है फवाद और आज मैं जो ट्रेलर रिएक्ट और रिव्यू करने जा रहा हूँ वह है साउथ इंडियन मूवी। उसका ट्रेलर आज ही ड्रॉप हुआ है, एक्चुअली रिलीज़ हुआ है ये बोलना चाहिए। उसका ट्रेलर आज ही रिलीज़ हुआ है। ट्रेलर का टाइटल है KGF। KGF इज़ स्टैंड फॉर कोला गोल्ड फील्ड्स। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसकी स्टार कास्ट के बारे में बताता जाऊँ। जो मेन स्टार कास्ट हैं वो साउथ इंडिया के बहुत बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। उनका नाम है यश और जो फीमेल लीड हैं उनका नाम है श्रीनिधि शेट्टी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने और उन्होंने ही इसको स्टोरी भी लिखी है और स्क्रीन प्ले भी दिया है। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आइए पहले ट्रेलर देखते हैं, फिर मैं अपना रिएक्शन भी दूंगा और रिव्यू भी करेंगे। वन उधर का करिश्मा देखो, उस रात 2 घटनाएं हुई। KGF भी बदल गया और वो भी बदल हो गया। शेट्टी, मुंबई का बादशाह। क्या चाहिए तेरे को? वाओ, तेरा बाप नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूँ। awesome. काम करना होगा, एक हाथी को मार गिराना है। टिकट तो चुका लेगी। वो कहाँ जा रहा है उसे नहीं पता था, ना ही उसे पता था कि कहाँ पहुँचने वाला है। वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। Looks real, everything looks real. तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए, इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। Scary one. यहाँ प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है यहाँ। जिसका दिल पत्थर का हो उसको फर्क नहीं पड़ता। वाओ, brilliant. हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े तो तुम सिर्फ एक जमशी के। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटाई कि तुम सामने खड़े तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओ। Chapter 1. Oh. 21st of December. Wow, this movie looks like a grand scale movie. Every scene or every clip जो इस ट्रेलर में दिखाया गया है looks like larger than life, grand scale. Every single set और जो location दिखाया गया ये looks real. मैं नहीं समझता शायद ये VFX है। लुक्स लाइक दे हैव क्रिएटेड द ओरिजिनल सेट्स फॉर दिस मूवी। क्वाइट अमेजिंग, टू बी ऑनेस्ट, क्वाइट अमेजिंग। यश जो रॉकी का किरदार इस मूवी में निभा रहे हैं एज ए गैंगस्टर. वाओ, ही इज़ एन अमेजिंग आई थिंक पर्सोना. उसका जो पर्सोना है, स्क्रीन प्रेजेंस है, वाओ, लुक्स लाइक अ गैंगस्टर. जो उन्होंने बीयर्ड बढ़ाई हुई, लंबे बाल और एक एंग्री लुक, इट्स अमेजिंग. स्क्रीन प्रेजेंस इज़ ब्रिलियंट, परफेक्ट चॉइस फॉर द मूवी. और लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस कैरेक्टर के लिए और इस कैरेक्टर को निभाने के लिए. 1951 से स्टार्ट होती है स्टोरी, जिस तरह की ट्रेलर की शुरू में दिखाया गया है. और 30 इयर्स के लाइफ स्पैन पर है रॉकी गैंगस्टर के, जो राइज एंड फॉल, किस तरह से वो गैंगस्टर बना और किस तरह से वो ख़त्म हुआ. ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे, तो उसकी वजह से उनको एक नहीं दो एपिसोड्स बनाने पड़े इस मूवी के. जैसा कि आपने ट्रेलर के एंड में देखा, चैप्टर 1 का ट्रेलर है ये, तो चैप्टर 2 मे बी नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगा और मे बी इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम. सो लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग in this movie. Action sequences are quite good, प्योर साउथ इंडियन स्टाइल का एक्शन है. तो एक्शन रीप्ले में जो एक्शन दिखाया गया है, इट्स क्वाइट गुड, क्वाइट स्मूथ है, बहुत काफ़ी ब्रूटल एक्शन होगा, मुझे ये ऐसा लग रहा है इसमें. जिस तरह के मुझे कुछ थोड़ी सी और फील आ रही है इस मूवी को. आप लोगों ने शायद मूवी देखी हो अमिताभ बच्चन की, पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, अमिताभ बच्चन की मूवी काला पत्थर. वो भी जो कोल माइनर्स की ज़िंदगी के ऊपर था, और अमिताभ बच्चन उनके लिए स्ट्रगल किस तरह करता है, सारा कुछ. मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो गोल्ड माइनर्स हैं, वो किस तरह उनको जो उनके बॉसेस ट्रीट करते हैं, कुछ एंग्री जो रिबेलियन बनते हैं, और फिर उसके बाद ये गैंगस्टर खड़ा होता है उन लोगों से लड़ने के लिए. मुझे वही थीम लग रहा है इस मूवी का. बहरहाल, आई डोंट केयर. Looks amazing this movie. So Yash was a brilliant choice. जो इसमें फीमेल लीड है, उनका तो कुछ सीन नहीं दिखाया गया. हो सकता है कि ट्रेलर 2 रिलीज़ हो या मज़ीद क्लिप्स या टीजर्स रिलीज़ हों तो उसमें दिखाया जाए. In total, brilliant trailer. I'm quite impressed with the movie और must watch movies में आप इसको include कर सकते हो this year. 21 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखने जाइएगा, मैं भी ज़रूर देखने जाऊँगा. द बेस्ट थिंग इज़ कि ये मूवी 5 to 6 डिफरेंट लैंग्वेज़ में रिलीज़ हो रही है या डब की गई है. इसमें शामिल है कन्नाडा, तमिल, तेलुगू, हिंदी, चाइनीज़ एंड जापानीज़ एज वेल. तो बिग स्केल की मूवी है, वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ होगी, तो इट विल मेक गुड मनी एट द बॉक्स ऑफिस, नो डाउट. आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद यश एक्चुअली, आई रियली लाइक हिम. दोस्तों, यह था मेरा रिव्यू और रिएक्शन. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए. अब तक के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, स्टे सेफ. गुड बाय एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल.